गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जितेश सिंगला। एंड गाइस, ये मेरा वाराणसी व्लॉग्स का थर्ड पार्ट है। अगर आपने मेरे वाराणसी व्लॉग्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट चेक नहीं किया, देन डू चेक इट। आई एम मेंशनिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी हम जा रहे हैं सारनाथ। सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था अपने फाइव डिसाइपल्स को। और जो सारनाथ है वो वाराणसी सिटी से 15 किलोमीटर्स दूर है, सराय मोहना विलेज से 7 to 8 किलोमीटर्स दूर है। और हम सारनाथ सराय मोहना विलेज से जा रहे हैं। एंड गाइस, सराय मोहना और सारनाथ का मैं एक ही व्लॉग बनाने की सोचा था, बट ऑलरेडी सराय मोहना का व्लॉग जो बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैं सारनाथ का अलग से व्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फन। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट अपलोड। एंड नाउ लेट्स गो। गाइस, अभी हम सराय मोहना विलेज से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सारनाथ। सारनाथ यहाँ से सराय मोहना से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलते हैं सारनाथ और सारनाथ को हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा, घूमेंगे वहाँ पर। तो गाइस, अभी हम सारनाथ पहुंच चुके हैं। अभी लगभग 12 बजे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर म्यूजियम में। सारनाथ म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो जिस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर सकता अंदर की। मैं आपको बाहर से म्यूजियम दिखाता हूँ। और इसकी टिकट 5 रुपीज़ पर पर्सन है, बहुत इंडियंस और फॉरनर्स के लिए। और ये वो म्यूजियम है, इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो अभी म्यूजियम हमने घूम लिया है, अभी देखते हैं और यहाँ पे क्या कुछ घूमने का है। तो जैन टेंपल है यहाँ पर, जैन मंदिर हम जाएंगे, और एक धमक स्तूप है तो वहाँ पे भी जाएंगे। उसकी भी अलग से टिकट है, अभी हम टिकट ले रहे हैं, देखते हैं उसकी कितने की टिकट है। और अभी हम जाएंगे यहाँ पर एक्सकेवेटेड साइट एंट्री, जिसकी इंडियंस की 25 रुपये है टिकट और फॉरनर्स की 300 रुपीज़। तो अभी ये टिकट लेंगे हम, चलते हैं उधर। तो अभी हमने टिकट्स ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं एक्सकेवेशन साइट पर, जहाँ पे पूरा एक्सकेवेशन पूरी खुदाई उदाई हुई थी, जिसमें कि सामान निकला था जो कि उस म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पर एक बोल रहे हैं कि स्तूप है, कोई स्टैचू है, तो देखते हैं क्या अंदर। यहाँ पर सारी साइट्स है जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था, पूरी खुदाई उदाई हुई थी, और उस खुदाई में जो सामान निकला था वो सारा उन्होंने म्यूजियम में रखा है। ये देखिए, आप पीछे देखते हैं पूरा सब कुछ है यहाँ पर। सिक्का डाल रहे हैं, 5 का सिक्का डाल उसमें डाल रहे हैं। ओ नहीं गया, नहीं गया। अशोक का पिलर है यहाँ पर। अशोक का पिलर है और इस पे जो नेशनल एम्बलम है वो म्यूजियम में रखा हुआ है, तो आप जाकर म्यूजियम उसे देख सकते हैं, नेशनल एम्बलम जो है। तो अभी हमने म्यूजियम और एक्सकर्शन साइड घूम ली है और अभी हम जा रहे हैं जैन मंदिर में। ये यहाँ पे थोड़ी मार्केट है, मार्केट दिखाता हूँ आपको, और ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर।
गंध कुटी विहार में। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ये मूल गंध कुटी विहार है। तो ये वो जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने सबसे पहले अपना सरमन दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को। यहाँ पर लिखा है बुद्धा गिविंग द फर्स्ट सरमन टू द 5 डिसाइपल्स। देखिए गाइज, अभी हम मूलगंध कुटी विहार में बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी जगह है सारनाथ भी। एक तो म्यूज़ियम है और एक एक्सकवेशन साइट होगी और एक मूलगंध कुटी विहार हो गया और जैन टेम्पल हो गया। जैन टेम्पल लगभग एक्सकवेशन साइट के पास में ही है, छोटा सा टेम्पल है वो वहीं पर पास में ही है। और जो मूलगंध कुटी विहार है उसमें दो तीन चीज़ें घूमने के लिए, एक तो बुद्ध टेम्पल है वहाँ पर, एक मिनी जू है और एक वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे अपना फर्स्ट सरमन दिया था 5 डिसाइपल्स को। तो आप आओ और वहाँ पर घूम सकते हो और काफ़ी अच्छी जगह है सारनाथ भी। तो गाइस, इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे वाराणसी का ट्रिप खत्म होता है और फिर कल हम रात में निकलेंगे लखनऊ के लिए और फिर लखनऊ पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लखनऊ के फूड, लखनऊ के बाजार, लखनऊ के जितनी साइट्स है, बड़ा इमामबाड़ा वगैरह जितना भी है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट अपलोड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।